हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह बज रहे छः बज रहे होंगे अराउंड। तो आया हूँ जिम करने, बहुत टाइम बाद जिम खुला है। तो भाई रेनोवेट भी हुआ है अंदर से, तो दिखाता हूँ कैसा हुआ है। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जिम है सेक्टर 23 के मॉल में, 3rd फ्लोर पर। लिंक मिल जाए, मतलब लोकेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आना हो तो मैं बात करवा दूंगा। बहुत टाइम पुराने भैया, एक बहुत टाइम से है संजय भैया, उन्हीं से कर रहा हूँ। तो चलो भाई सिनेमैटिक्स देखो, कुछ वीडियोस देखो। चलो तो भाई चलते हैं, अब जिम में वर्क का टाइम आ गया। गाइस जैसे कि आपने देखा, भाई दिमाग खराब हो गया। भाई पहला दूसरा दिन था मेरा, नहीं हाँ दूसरा ही दिन था। तो भाई सही है कि भैया ने बोला है कि बहुत टाइम बाद भाई जिम ज्वाइन कर रहे हैं सब के सब। तो अभी कोई हार्ड वर्कआउट हो नहीं रही, तो अभी सिर्फ ट्रेडमिल ये सब किया है 2 घंटे, और कुछ एक्सरसाइज डंबल जम्बल हो गए थोड़ा बहुत। ज़्यादातर भाई ट्रेडमिल ही हुई है, क्योंकि भाई वार्म अप चाहिए होती है स्टार्टिंग में। तो 1 वीक ऐसे चलेगा हमारा, उसके बाद होगा डंबल्स, हार्ड वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं क्या होगा आज, क्या करूँगा मैं, पता नहीं भाई क्या होगा आज। अब तो क्लास भी अटेंड करनी है भाई। हाँ भाई लास्ट ईयर चल रहा है मेरा, 12th चल रहा है, तो क्लास भी अटेंड करूँगा। तो चलो भाई घर चल कर मिलते हैं। कहीं जैसे कि आपने देखा, भाई दिमाग खराब हो गया। भाई पहला दूसरा दिन था मेरा, नहीं हाँ दूसरा ही दिन था। तो भाई सही है कि भैया ने बोला है कि बहुत टाइम बाद भाई जिम ज्वाइन कर रहे हैं सब के सब। तो अभी कोई हार्ड वर्कआउट हो नहीं रही, तो अभी सिर्फ ट्रेडमिल ये सब किया है 2 घंटे, और कुछ एक्सरसाइज डंबल जम्बल हो गए थोड़ा बहुत। ज़्यादातर भाई ट्रेडमिल ही हुई है, क्योंकि भाई वार्म अप चाहिए होती है स्टार्टिंग में। तो 1 वीक ऐसे चलेगा हमारा, उसके बाद होगा डंबल्स, हार्ड वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं क्या होगा आज, क्या करूँगा मैं, पता नहीं भाई क्या होगा आज। अब तो क्लास भी अटेंड करनी है भाई। हाँ भाई लास्ट ईयर चल रहा है मेरा, 12th चल रहा है, तो क्लास भी अटेंड करूँगा। तो चलो भाई घर चल कर मिलते हैं। तो बस पूरा मॉल बंद है, सिर्फ सब्जी वाले जो होते हैं, बहुत पुरानी शॉप है यहाँ पर, ये खुली हुई है बहुत टाइम से। तो भाई इनको पता है कि कब ग्राहक ज़्यादा आते हैं, तो इनको पता है कि सुबह आते हैं ज़्यादा लोग, तो खोल ली आधे ज़्यादा मॉल। तो मैं पूरे मॉल बंद है, 1 से 2 दुकान खुली होगी, आगे साइड गए नहीं, पीछे हूँ मैं तो। और जिम में भी भाई अभी कोई आ नहीं रहा वायरस के चक्कर में, नया जिम खुला है भाई, देखते हैं। कल जब मैं गया था तो कोई एक भैया थे सिर्फ, और जिम ट्रेनर थे। तो यार देखते हैं क्या होता है, कोई आएगा कि नहीं आएगा। और अकेले करने में तो मज़ा आता नहीं है, जब पूरे बंदे होते ना तब सही लगता है भाई। तो अभी जा रहा हूँ, जैसे कि पीछे कोई नहीं है, पीछे भाई कोई नहीं है मेरे भाई, मतलब खाली खाली रास्ता है, इन्वायरमेंट देखो भाई। चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हो, सॉरी चिड़िया नहीं, जैसे गिलहरी की आवाज़ है भाई, पता नहीं किसकी भी आवाज़ है, वहाँ अच्छी लगी है। तो अभी चलते हैं घर, कुत्तों को भी लाऊंगा। तो क्योंकि मैं 2 दिन से कुत्तों को घुमा रहा, यार भैया नहीं है, भैया गांव चले गए, उनको कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो पुराने भैया आएंगे जो पहले काम करते थे, वो भी गांव चले गए थे, तो फिर उनको ज़्यादा टाइम लग गया, तो वहीं रुक गए वो लोग, और लॉकडाउन हो गया, तो हमें कुछ और रखना पड़ा। तो वो आ जाएंगे आज दोपहर तक। तो देखता हूँ, फ़ोन करके पूछूँगा अभी कि भाई मम्मी कहाँ पर, कुत्ते लाएँगे कि नहीं लाएँगे। तो चलो चलते हैं, चलो भाई कुछ तो कोई दिख रहा है, चलो भाई चलते हैं। गाइस ये देख लो कितनी वाइड लेंस है गाइस, बहुत ही वाइड ज़्यादा लेंस है। ओ भाई साहब, ओ भाई गाइस देखो कितना ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है।
गैस में गया था, शोरूम गया था, कैनन के शोरूम गया था, तो वहां से मिला था मुझे। अगर ये आपको अच्छा लगता है गाइस, इसके लिए इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा, और इंस्टा पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में और ये स्क्रीन पे भी नाम दिख रहा होगा, तो जाओ भाई फॉलो करोगे। चाहिए तो मैं स्टोरी डाल दूंगा, पोस्ट भी डाल दूंगा, या देखूंगा कुछ ना कुछ कर दूंगा, जैसे कि आपको एड्रेस मिल जाएगा या नेम मिल जाएगा। कैनन की तरफ से चलो हिंदी है, कैनन निकॉन दोनों का आता है, बहुत सारे कैमरे लेंस के अलावा उनका भी आता है। कहीं देख लो कितने ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। चलो बस मैं आगे चलते हैं, तो अभी जा रहा हूँ कुत्तों को घुमाने भाई। देखो आवाज देने पाएगा, आ जा भाई लो, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। देखो जिसका पट्टा नहीं उसको आ गया, माइलो आ जा क्या, जा आ 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 गया आ जा आ गया आ जा। तो अभी कुत्ता घुमा रहा हूँ, ये थे दोनों दोनों भैया भी गांव से आ गए, रास्ते में मिल गया हमें, बहुत टाइम बाद आया। गाइस अभी मैं स्केच कंप्लीट किया है मैंने, तो आपको पता नहीं वहाँ पे मैं स्केच बनाता हूँ, ठीक ठाक बना लेता हूँ, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैंने बहुत सामान मंगवाया स्केचेस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट नहीं बनाता अभी, तो मतलब एनिमेशन की बनाता हूँ। और यहाँ मेरी क्लास चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, इसका सिलेबस कम्प्लीट कर चुका हूँ, इंग्लिश का पेपर है तो सिलेबस कम्प्लीट कर चुका हूँ। तो स्केच अभी मैंने कंप्लीट होने वाला है, जब स्केच कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। और देखो उसको देखो, क्लास छोड़ के भाग गया कम से कम। भाई मैं क्लास में बैठ तो रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ कम से कम, हेडफोन इसलिए लगा रखे, ये गाने सुनने के लिए नहीं भाई, सुन रहा हूँ। तो चलो अब स्केच जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाता हूँ क्या है स्केच में। बाय बाय। जितनी भी आपके साइड में दिख रही है, ये जितनी भी फोटोज दिख रही है, सब मैंने अभी बनाई है, 4 घंटे लग गए मुझे बनाए हुए। और जो ये आपको आखिर में दिखी ये फोटो, हाँ ये वाली फोटो, ये गाइस सबसे प्यारी लगी, इसकी खासकर आँख प्यारी है, मतलब एक नंबर की बनी है। और कुछ स्केचेस और है जो अब आपको इस साइड दिखेंगे, ये पुरानी वाली है जो इस साइड दिख रही है आपको, ये कुछ स्केचेस है जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, ये वाली खासकर ये ताजमहल वाली। तो चलो गाइस अब करते हैं, और भी बना दे जा रहा हूँ, अब सोच रहा हूँ पोर्ट्रेट बनाने के लिए बनाऊँगा, किसी ना किसी की बनाऊँगा। तो चलो देखते हैं अब क्या करने वाला है। गाइस खाना खाने के बाद, मतलब सारे अपने स्केच कंप्लीट करने के बाद, कुछ स्केच और थे पुराने थे मेरे, उसको आ जाके कंप्लीट कर लिया, मुझे मिल गया टाइम तो मैंने सोचा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो एक तो है, पता नहीं कौन, बहुत सारे स्केच है मेरे पास, दिखाऊंगा कोई और वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी जा रहा हूँ ऑफिस पापा के काम से, और ट्यूशन भी पढ़ना है, तो ऑफिस में ही पढ़ते हैं, घर पर तो बुलाते नहीं हम सर को, क्योंकि पता है ना अलाउड नहीं है वैसे भी सोसाइटी में, तो हम जो सोच रहे हैं सोसाइटी में आ जाएंगे पढ़ेंगे। और चलो चलते, जब ट्यूशन ख़त्म हुआ गया बहुत बोर हो गया मैं भाई, दिमाग खराब हो गया। टेस्ट था, टेस्ट में सही हुआ, ठीक गया टेस्ट, ठीक ठाक गया। सरप्राइज टेस्ट लिया था अंकल ने, अंकल बोलता हूँ अंकल ही है हमारे, वो बस पढ़ा रहे लॉकडाउन में। तो अभी चलो चलते अब घर चलते, और उससे पहले यार देखूँगा यहाँ नीचे ट्राईपॉड, नीचे देखता हूँ ट्राईपॉड मिल जाए तो भाई सही है, ये उजाला नहीं यहाँ पर आ जाए ना, तो देखते हैं यहाँ ट्राईपॉड नीचे मिल जाए तो सही है। तो अभी चलते हैं चलते हैं चलते हैं, सब बंद है भाई, लिफ्ट विफ्ट सब बंद है यार। चलो, और एक टैबलेट है मेरे पास, बहुत पुराना टैबलेट था, उसको भी ठीक करवाने के लिए दिया है, बहुत टाइम हो गया भाई, इतना पुराना है कम से कम जब से मैं द्वारका में आया हूँ ना, उससे पहले का ही है। मैं द्वारका में आया था 6th में, अभी हूँ 12th में, तो अब लगा सकते हो उससे पहले का ही है, उससे 2-3 साल पहले का है, तो देखा सकता हूँ कितना पुराना है। और जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया है, तो सॉफ्टवेयर और पासवर्ड सब भूल चुका हूँ, सॉफ्टवेयर इतना पुराना हो चुका है भाई, पूछो मत। ठीक है भाई, जान पहचान का तो वो ठीक कर देगा। चलो भाई चलते, गए अभी हम गए थे चेक करने, ये देखो ताली बजाने में लगा हुआ है, तो मच्छर मारता था। तो अभी चेक करने गए थे हम भाई, शॉप सारी बंद है, पुलिस वाले चेकिंग के लिए भाई, कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना था इसलिए शॉप बंद कर दी, सडन गिरा दिया, इतना लग खराब है भाई। जब जाऊँ मॉल लेने तो भाई बंद रहता सब कुछ। तो अब चलते हैं घर, कुछ खाते हैं भाई, भूख लग रही है भाई। चल चल, सब्वे कौन खाएगा बाहर का भाई, जिम जाने वाला बंदा हूँ तेरे तरह नहीं हूँ मैं। तुम और
जिम तो जाते हो, लेकिन भाई पब्लिक को भी पता है, पब्लिक वीडियो है भाई, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ प्रूफ है भाई मेरे पास, अपने पास ही रखो। ये देखो भाई नूबड़े को देखो, इसको देखो, क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहे हैं। टीएच कितने पे? 3 पे। और मुझे देखो टीएच में, रुको जरा अपनी असली आईडी लान दो, रुको जरा। अरे चलो चलो भाई छोड़ो, अरे चलो भाई अब एक काम करते हैं, घर जाके बात करते हैं भाई। तो गाइस चलो बेस दिखाता हूँ मैं अपना, दिखाओ दिखा भाई अपना, दिखा मेरा भाई, देखो मेरा फोन है तो मेरे, देखो आपको पता है कैमरे से वीडियो को, देखो देखो ये है मेरा बेस, और मेरा टीएच 11 मैक्स, इसका टीएच 11 मैक्स है, तभी भी मेरे पर 3 स्टार नहीं ले पाता, देख रहे हो। मैं टीएच 9 वाला हूँ, ये टीएच 11 वाला है, इसने खेला हैक करके, ये पैसे लगाता, मैं फ्री में खेलता हूँ, मतलब खुद की मेहनत पे खेलता हूँ। तो अभी चलो घर चलते हैं, पार्क में भी देखो कुछ बच्चे, ये ज़्यादा लोग नहीं है, तो चलो चलते हैं। मैं तो अपने मास्टर बटो को फॉलो नहीं किया, तो जाके कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मैंने डाली है, आपको मिल जाएगा आखिर में लिंक भी चेक करने का। हाँ भाई कर दूंगा, जरूर कर दूंगा, इसको भी फॉलो कर सकते हो। वैसे पोस्ट वोस्ट कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है ना, स्टोरी डालता है, तो वैसे फॉलो कर सकते हो चाहे तो, ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तो बोलो फॉलो ही मत करो। तो क्या थैंक यू फॉलो करने के लिए? नहीं तो बोल, अरे मजा आती है इसके साथ मजे लेने में, आगे छोटा ही है। हाँ भाई चलो भाई, अभी तो पबजी बैन हो रखा है भाई, पबजी बैन हो रखा है, मतलब मेरे में है, पहले से इंस्टॉल था, तो मैंने डिलीट नहीं मारा भाई, चाहे कितना भी अपडेट आता मैं डिलीट नहीं मारता। तो अभी हम खेलते हैं सीओडी, तो हम करूँगा, मैं सोच रहा हूँ भाई वीडियो बनाऊँगा सीओडी गेम की भी बनाऊँगा। तो चलो अभी पार्क में ही हल्ला मचा रहा है, गेम खेल रहे लोग, पोचा पोचे आए हुए, विलेज है छोटा सा सामने, चलो चलते हैं फिर खेलते हैं। घर आ चुके हैं दोनों के दोनों कुत्ते, दोनों के दोनों डॉग्स मेरे पीछे पड़ गए, उधर निकालेंगे फिर। चलो देखो कैसे खेलते हैं दोनों, देखो दोनों कैसे खेलते, देखो देखो अरे भाई लो देखा था कैसे देख लो कैसे चल जाता है, पहचाना मुझे काले वाले को देखो, तो भाई आया है हाथ में तो होता है, फिर बत देखता क्या करेंगे आज, मम्मी क्या करती है, मम्मी सूर्या सूर्या मम्मी, देखो ये देखो इसको, तो बैग उतारते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है भाई, मास्क वर्क सब उतार देंगे, ये कुछ फाइल्स जो कंप्लीट करता था इसके नहीं भरी हुई है, ये कैच स्केच फाइल तो देख ली, और ये फाइल भी एनिमेटेड ड्राइंग से सारे सब भरी भर के रख रखी है भाई पुरानी पुरानी। तो अभी कुछ खाता हूँ हाथ मुँह धो के, चलो भाई मिलते हैं गाइस, अब जा रहा हूँ सेक्टर 10 सामान लेने, तो दोस्त आ गए तो सोचा है भाई चले जाता हूँ, घूम भी लूँगा और सामान भी ले आऊँगा, तो जाएंगे अब, चलो इंतजार करते हैं, पीछे वाले गेट पर आ रहा है वो गाड़ी लेके, चलो फिर देखते हैं। तो चलो गाइस अब चलता हूँ घर, आ गया हूँ सेक्टर 10 से, देख रहे हो गाइस सोसाइटी के पंतियाँ कर रहे लोग, सोसाइटी वाले बुलेट बुलेट मॉडिफाई करवा के भाई एक नंबर के रख रखे सोसाइटी वाले ने, ये रहा सामान, मजे नहीं आते यार आजकल दोस्त वोस्त, तो भाई बहुत टाइम बाद निकला हूँ घर से, सेक्टर 10 गया हूँ वो भी दोस्त के साथ, तो चलो गाइस ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इससे पहले एक चीज़ और बताओ गाई, बताओ यार ट्राईपोड के बारे में बताओ यार, ट्राईपोड और मतलब माइक वाइक के बारे में बताओ यार, कहाँ से मिल जाएगा कहाँ नहीं यार, कमेंट कर दो। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ कि तुम्हें भाई कंटेंट अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ भाई डेली लाइफस्टाइल दिखाऊँ, हर 2-3 दिन में वीडियो डाल दूँ लाइफस्टाइल की, तो भाई कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।